क्लस्टर्स ऑन वेब पेजेस और कॉल्ड साइबर कम्युनिटीज़ अभी जो क्लस्टर्स हैं इनकी कौन कौन सी टाइप हैं या साइबर कम्युनिटी की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इस मॉड्यूल में अब जो कॉमन टाइप्स हैं वो दो हैं पहली जो टाइप है एक्सप्लिसिटली डिफाइंड कम्युनिटीज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड कम्युनिटीज़ जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं जैसे लेट से हमने यहाँ पे एक फिगर दी जैसे हमने कहा कि जी कौन से ऐसे लोग हैं जो पॉप म्यूजिक लवर हैं या क्लासिक म्यूजिक लवर हैं या आर्ट्स के लवर हैं तो ये हमारे पास ऐसी चीज़ें बन जाएंगी जो हमें क्लियर बताती हैं कि यार ये एक्सप्लिस है कि ये अब क्लियर है जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना स्पोर्ट्स की मैं एक कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ऑफ दैट स्पोर्ट्स की कम्युनिटी बनाता हूँ उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नीचे डिवियन करता जाता हूँ लेट से कि यहाँ पर मैं क्रिकेट तक पहुंच जाता हूँ तो एक एक्सप्लिस कम्युनिटी है जिसके अंदर आप क्लियरली एक बंदा आता है एक यूज़र आता है नेट के ऊपर वो देखता है अच्छा यार मैंने क्रिकेट को लाइक करता हूँ मैं उसमें कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता हूँ इसके मुकाबले में एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है इंप्लिसिड डिफाइंड कम्युनिटी ये वो कम्युनिटी है जो डिफाइंड नहीं होती अनएक्सपेक्टेड होती है जो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती जैसे लेट से कि हम नेट के ऊपर सर्च कर रहे थे और एक हमें अपना कोई बीस साल पुराना क्लास फेलो मिल गया तो अब हम उसे डिफाइन कम्युनिटी के अंदर नहीं रख सकते लेकिन हम उसे फिर ट्रिगर करेंगे कि भाई हम और आप जो है एक कम्युनिटी का हिस्सा है तो फिर हम एक्सप्लिसिट कम्युनिटी की तरफ मूव करना शुरू करेंगे अच्छा अब यहाँ पे कंसेप्ट है सिमिलरिटी ऑफ़ वेब पेजेस का डिस्कवरिंग वेब कम्युनिटी इज सिमिलर टू क्लस्टरिंग जैसे मैंने अभी बताया अब क्लस्टरिंग के लिए हमें क्या बताना पड़ता है हमें ये बताना पड़ता है कि दो पेजेस या दो नोट जो हैं वो कितने सिमिलर हैं क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं कि दो नोड्स वो कितने सिमिलर हैं तो अब हम यहाँ पे मेथड देखते हैं कि कौन से हैं फर्स्ट मेथड जो सिमिलरिटी का हमने बताया वो क्या है कि अगर पेज ए और बी को हमने देखना है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एक तरीका ये हो सकता है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय अ हाइपर लिंक और सिमिलरली बी और ए जो है ये भी हाइपर लिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है तो क्या ये एक अच्छा लिंक होगा इसका आंसर जो है वो नो कि अगर आप कहते हो कि दो पेज सिमिलर एक दूसरे के हैं तो अगर दोनों के ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है ए के लिए बी का और बी का ए का तो क्या ये दोनों के लिए अच्छा लिंक होगा आंसर इज नो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई बी एम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का लिंक लगा रहे हो और वाइस वर्सा तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं आंसर नो है मेथड टू कोसाइटेशन अच्छा इसका मतलब क्या है सिमिलरिटी ऑफ ए एंड बी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ पेजेस साइटेड बाय बोथ ए एंड बी इससे मुराद क्या है अब ये ए और बी जो है ये डायरेक्टली लिंक नहीं है बल्कि किस तरह लिंक है कि आपने ये देखना है कि इनके साथ और कौन सी साइट्स हैं या पेजेस हैं जो लिंक्ड हैं तो ये दूसरा तरीका होगा सिमिलरिटी ऑफ वेब पेजेस को फाइंड आउट करने का और इसके अंदर आप क्या देखोगे ये देखोगे कि इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हो इन डिग्रीज को कि वो कितना आपस में लिंक चाह रहे हैं बिब्लियोग्राफिक कंपलिंग अब ये हमारे पास क्या होगा इट इज़ द सिमिलरिटी ऑफ ए एंड बी और ये कैसे मैयर करेंगे हम कि ए और बी जो है दोनों कितनों को साइड करें यानी कि ए जो है वो साइड कर रहा है चार को से तीन को और बी भी भी साइड कर रहा है तीन को तो ये सिमिलरिटी ऑफ वेब पेजेस का होगा बिब्लियोग्राफिक कपलिंग मेथड तो इससे मुराद हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि वेब पेजेस की जब हमने सिमिलरिटी मैयर करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या डायरेक्टली एक दूसरे से मैच करें नंबर वन ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन के वो उनको कितने पेजेस यानी कि साइड करें और तीसरा वो किन किन पेजेस को साइड करें तो ये तीन तरीके हो सकते हैं वेब पेजेस की सिमिलरिटी को फाइंड करने के लिए